हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में, जो कि हमारे बॉडी के लिए एक एसेंशियल और हमारे जीवन के लिए भी एक एसेंशियल सब्सटेंस होता है। और क्योंकि अगर आप विटामिन्स के वीडियो ये देख रहे हो तो आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप डिफार्मा के स्टूडेंट हो, आप कहीं के भी स्टूडेंट हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वजह से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि जो ये वीडियो है आपको दो पार्ट में मिलेगा। पहले पार्ट में हम फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में बात करेंगे, दूसरे वीडियो में हम वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर एक ही वीडियो में हम सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर आपको देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द विटामिन। दोस्तों, अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन्स एक प्रकार के ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। और इसी तरह से जो विटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायता करते हैं। विटामिन्स हमारे बॉडी के अंदर अपने आप नहीं बन सकते हैं, इस वजह से विटामिन को लेने के लिए हमें जो भी हम खाना खाते हैं वहाँ से हमें विटामिन मिल जाता है। और साथ ही साथ में विटामिन की मात्रा की बहुत ही कम ज़रूरत होती है और इसी वजह से जो भी हम खाना लेते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, उससे हमें आसानी से उस डाइट से विटामिन मिल जाता है। दोस्तों, अगर विटामिन के खोजकर्ता की बात करें तो विटामिन की खोज की थी फंक साहब ने, और इन्होंने बताया था कि ये विटामिन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, लेकिन हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ विटामिन्स कौन कौन से हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, विटामिन होते हैं दो प्रकार के, इन्हें दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन, जो कि है ADEK, जिसको हम रेट्रिक से याद कर सकते हैं, कीड़ा, KEDA। ओके, ये होते हैं फैट के अंदर सॉल्युबल। दूसरा विटामिन है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन B&C, ये आपके वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पे हम आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताएं तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा मात्रा में कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन क्यों कम नहीं होता है? तो फैट को हम डायरेक्टली अपने बॉडी से बाहर नहीं निकालते हैं, अपने बॉडी से लॉस नहीं करते हैं फैट का, जिसकी वजह से हमारे अंदर ADEK का लॉस नहीं होता, फैट सॉल्युबल विटामिन सुरक्षित रहते हैं। बट हम वाटर का लॉस करते हैं एज अ थ्रो यूरिन एंड स्वेट, मतलब स्वेट ग्लैंड्स के द्वारा जो स्वेट निकलती है, जो पसीना होता है, वहाँ से आपकी B&C बाहर निकल जाती है। और इसी तरह से अगर आप यूरिनेशन करते हैं तो वहाँ से भी, क्योंकि वाटर बाहर निकलता है तो उसमें घुले हुए जो B और C होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वाटर सॉल्युबल विटामिन हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं आगे कुछ सभी विटामिन्स के बारे में कि उनका मेन फंक्शन क्या होता है, कुछ उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले विटामिन एंड एसोसिएटेड बॉडी फंक्शन, विटामिन्स, सभी विटामिन्स के बारे में, उनका फंक्शन क्या होता है, बस एक एक लाइन में, आगे हम डिटेल में बात करेंगे। जिस तरह से अगर हम सबसे पहले बात करें कि विटामिन ए जो होता है वो हमारे आइज़ के लिए, हमारी इम्यून सिस्टम के लिए, स्किन, जीन्स और ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से विटामिन डी हमारे स्किन के अंदर फॉर्म होता है और स्किन, इंटेस्टाइन, किडनी और बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे अपना रोल दिखाता है। उसके बाद विटामिन ई जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और ब्लड सेल और लीवर के अंदर स्टोर होता है। इसी तरह से विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग विटामिन होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है खास करके कंपिटेटिव एग्जाम्स में कि जो आपके ब्लड क्लॉटिंग विटामिन है वो कौन सा है, तो सर वो होता है विटामिन के। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि जो विटामिन B1 है वो क्या करता है। विटामिन B1 एनर्जी मेटाबॉलिज्म फॉलो करता है और ये हमारे नर्व और मसल्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है। उसी तरह से विटामिन B2 भी एनर्जी देता है और हमारी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और विजन में सहायता करता है। इसी तरह से विटामिन B3 जो है वो एनर्जी भी देता है और न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस में सहायता करता है। विटामिन B5 स्किन एंड हेयर्स, उंड हीलिंग एंड ब्लड लिपिड प्रोफाइल को ठीक करता है। कहने का मतलब, जो अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आप, और आपकी स्किन टैंड है, आपकी स्किन अच्छी नहीं है, तो आप विटामिन B5 ले सकते हैं, तब आपका जो हेयर है वो गिरेगा नहीं और स्किन आपकी अच्छी रहेगी और आपके घाव जल्दी से भरेंगे और आपकी ब्लड लिपिड प्रोफाइल अच्छी रहेगी। इसी तरह से विटामिन B6 जो है वो एक प्रकार का नर्व एक्टिविटी को आपके मेंटेन करता है, साथ ही साथ ब्लड फॉर्मेशन के अंदर सहायता करता है और DNA के भी निर्माण में सहायता करता है। इसी तरह से विटामिन B7, जिसे हम बायोटिन भी बोलते हैं, ये हेयर और नेल्स और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक व्यक्ति की खूबसूरती के लिए उसके हेयर, उसके नेल्स, उसकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, तो एक प्रकार से इसे हम ब्यूटी विटामिन भी बोल सकते हैं।
नेक्स्ट अगला होता है विटामिन B9 जो कि हमारे DNA सिंथेसिस में सहायता करता है, और नेक्स्ट है आपका विटामिन B12 जो कि आपकी नर्व एक्टिविटी और न्यूरोट्रांसमीटर में सहायता करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के बनने में सहायता करते हैं और एक प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करते हैं आपके विटामिन B12 जो कि हो साइनोकोबालामिन। इसी तरह से विटामिन सी एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है और आयरन एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है, साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। तो ये कुछ ओवरव्यू थे जिसको हमने आपको बताया कि जो विटामिन है उनके एसोसिएटेड फंक्शंस क्या हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे अब कि जो फैट सोल्युबल विटामिन हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। जिस तरह से अभी आपने देखा विटामिन के बारे में, तो क्योंकि फैट सोल्युबल विटामिन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। दोस्तों विटामिन ए को हम रेटिनॉल या कैरोटिनॉइड्स भी बोलते हैं, रेटिनॉल एंड कैरोटिनॉइड भी बोलते हैं। और अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विटामिन ए जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे विजन, हमारी स्किन, हमारे जीन, हमारी ग्रोथ और इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसी तरह से विटामिन ए जो होते हैं वो स्पेशली हमारे जैसे फीमेल्स के अंदर जब प्रेगनेंसी होती है तो उसके स्टेज, उसके अर्ली स्टेज में विटामिन ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। इसी तरह से जो विटामिन ए है वो इन्फेक्शंस, फीवर्स इत्यादि के समय में हमें सहायता करते हैं। और एक्चुअली ये हीट स्टेबल नहीं होते हैं और इसकी वजह से फीवर में ये डिजनरेट होने लगते हैं और फिर हमें ज़रूरत होती है विटामिन ए की, ठीक है, जब हमें फीवर ज़्यादा होता है या इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट जो आपकी विटामिन ए है उससे कई प्रकार के डिजीज़ हो सकते हैं। कौन कौन से डिजीज़ होते हैं इसको हम देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, क्योंकि जो विटामिन ए है वो हमारी विज़न के लिए सहायता करता है, और क्योंकि अगर विटामिन ए की कमी होगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, आपको रात में कम दिखाई पड़ेगा क्योंकि आपके बॉडी के अंदर रॉड सेल्स कम बनने लगती हैं, आपकी आँख के अंदर रॉड सेल्स कम बनने लगती हैं जिसकी वजह से आपको कम दिखाई पड़ेगा, खास करके रात के समय में। इसी तरह से केराटिनाइजेशन हो सकता है बॉडी के अंदर, मतलब स्किन पर। केराटिनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपके बॉडी के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर सल्क जमने लगेगी, आपकी नमी दूर हो जाएगी। उसी तरह से ये ग्रोथ को भी कम कर देता है। अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी है तो रिटार्डेड ग्रोथ होगी, मतलब आपकी ग्रोथ नहीं होगी, इसलिए छोटे बच्चों को विटामिन ए की खास ज़रूरत होती है। दोस्तों अगली स्लाइड में देखिएगा इसमें कि जो विटामिन्स हैं उनका प्राइमरी सोर्स क्या क्या है, विटामिन ए का प्राइमरी सोर्स क्या है। अगर हम नॉन वेजिटेरियन की बात करें तो लीवर, एग योक, बटर, होल मिल्क एंड चीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द विटामिन ए, यार रेटिनॉल भी बोल सकते हो, ठीक है। कैरोटिनॉइड्स जो है आर फाउंड जितने भी आपके ऑरेंज कलर के और रेड कलर के फ्रूट होते हैं उसमें आपको विटामिन ए मिल जाएगा, जैसे आपके ऑरेंज फ्लेश स्वीट पोटैटो, ऑरेंज फ्लेश फ्रूट जैसे मेलन, मैंगोज, इन सभी में आपको विटामिन ए की कैरोटिनॉइड्स मिलते हैं। इसी तरह से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिंच, ब्रोकली, ओके, कैरट्स, पम्पकिन एंड रेड पम्पकिन या रेड पाम ऑयल, यहाँ पे आपको विटामिन ए मिल जाता है अच्छी मात्रा में। तो ये कुछ एक फिगर है, या फिगर पे देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल सोर्स है और फ्रूट एंड वेजिटेबल सोर्स है वो क्या क्या है। आगे भी हम आपको फिगर दिखाएंगे कि इस फिगर में देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जिस तरह से आप यहाँ पे देखिए तो ये है एक प्रकार का, ये आपका डेयरी प्रोडक्ट हो सकता है, मीट हो सकता है, वहाँ पे आपको मीट में भी आपको विटामिन ए मिल सकता है। उसी तरह से एग योक में मिलता है एंड मेलन में मिल सकता है, मैंगो में मिलता है, कैरेट में मिलता है और लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ सब पाया जाता है विटामिन ए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विटामिन डी के बारे में, जिसको हम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। दोस्तों कैल्सीफेरॉल जो होता है आपके सन से हमारी बॉडी जो होती है वो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को सिंथेसाइज करती है। तो जो विटामिन डी है वो सनलाइट में हमारी बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है, जिसका प्रिकर्सर हमारी बॉडी के अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में। उसी तरह से जो विटामिन डी भी है वो एक प्रकार का विटामिन है, बट ये विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर मेंटेन कर लिया जाता है, ये हमें फूड से बाहर नहीं मिलता है, ओके। तो ये हमारा एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, बाहर से नहीं लेती है, ओके।
अगर देखो, अगर आप किसी गर्मी के सीजन में रह रहे हो, सन में काम कर रहे हो, धूप में काम कर रहे हो, तो आपके लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर विटामिन डी वैसे ही बन जाते हैं, तो आपको कभी भी विटामिन डी की टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बाहर कहीं काम कर रहे हो तो। ये लाइन देखिएगा यहाँ पे कि द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी इज एक्चुअली अ हार्मोन दैट टारगेट ऑर्गन्स मोस्ट नोटेबली द इंटेस्टाइन किडनी एंड बोन्स। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो विटामिन डी होता है एक्चुअली एक हार्मोन की तरह काम करता है, जिसके टारगेट ऑर्गन जो होते हैं वो इंटेस्टाइन किडनी और बोन्स होते हैं, तो इसको मेंटेन करने का काम करता है। इसी तरह से इंटेस्टाइन के अंदर में विटामिन डी जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। कहने का मतलब अगर आप भोजन में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन डी ले रहे हो, कैल्शियम ले रहे हो और फास्फोरस ले रहे हो, और जबकि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी है, तो आपके बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है और फास्फोरस है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा और आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। इसी तरह से जो विटामिन डी है वो विटामिन डी आपके बोन्स के द्वारा जो कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन होता है उसमें भी सहायता करता है, और इस तरह से जो आपकी बोन होती है वो डेंस हो जाती है और स्ट्रांग हो जाती हैं। तो विटामिन डी नहीं होगा तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी किसको, कैल्शियम को और फास्फोरस को। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्या प्रॉपर सोर्स है, क्या प्राइमरी सोर्स है विटामिन डी का। तो सबसे प्राइमरी सोर्स जो है आपका वो है सनलाइट एक्सपोजर एंड अल्ट्रावायलेट जो यूवी रेज होती हैं, वो रेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए। अब बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगे तो नुकसानदेह होंगी, लेकिन अगर कम मात्रा में मिलेंगी तो वो प्रॉफिटेबल होती है, और हमारी बॉडी के अंदर जो प्रिकर्सर होता है विटामिन डी का, वो विटामिन डी का निर्माण कर लेता है। इसी तरह से जो विटामिन डी का नेचुरल सोर्स है वो है ऑयली फिश, एग योक, व्हील, वीफ एंड मशरूम। ओके, यहाँ पे आप फिगर देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कौन सी चीज़ें हैं। आगे हम और फिगर आपको दिखाएंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाए। तो भैया ये मुस्कुरा रहे हैं, ये सन है, सूर्य जी हैं, है ना, दादाजी बोलते उनको कभी कभी पहले। इसी तरह से आपकी जो ऑयली फिशेज हैं, देखो इसके दांत अच्छे से दिख रहे हैं, तो ये आपकी है। उसी तरह से एग योक है, ये भी हंसी रहा है। और अब देखो मशरूम भी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विटामिन डी के लिए। जो भी सफ़ेद चीज़ आपको दिखाई पड़ती है व्हाइट कलर की, यहाँ पे मछली आपको नीली दिखाई पड़ रही है तो मैंने कार्टून लगा दिया है, बाकी व्हाइट जो फिशेज होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए। तो व्हाइट कलर के जो भी चीज़ें होती हैं उसमें आपको विटामिन डी मिल जाएगा। इसी तरह से आपको वो सारी चीज़ें, वो सारे सब्जियां जो हरे कलर से जो खास करके व्हाइट कलर की होती हैं वहाँ पे आपको विटामिन डी मिलता है, और आपको जो वेजिटेबल आयल है वहाँ पे भी आपको मिल जाता है विटामिन डी। तो ये सारे फिगर्स आप देख लीजिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा विटामिन डी कहाँ पाया जाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन डी से होने वाले डिजीज़ के बारे में। तो इन द कंडीशन ऑफ द डिफिशियंट विटामिन डी फॉलोइंग डिसऑर्डर में भी काज्ड कौन कौन से, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट के अंदर में, और रिकेट्स होता है चाइल्ड्स के अंदर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने हड्डी इसलिए बनाया क्योंकि हड्डियों से संबंधित होता है, और ये देखिए इस बच्चे को रिकेट्स हुआ है। एक्चुअली रिकेट्स जब होता है तो हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है क्योंकि कमज़ोर हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं, वो चाहे ऑस्टियोमलेशिया हो एडल्ट के अंदर या फिर रिकेट्स हो, क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है, और कैल्शियम और फास्फोरस एक बहुत ही डेंस प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमारे बोन्स को वो डेंस बनाते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हमें मिल नहीं पाता विटामिन डी, तो कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों के अंदर जा नहीं पाता, बोन्स के अंदर नहीं जा पाएगा, तो क्या होगा सर, तो आपकी बोन्स जो होंगी वो टेढ़ी हो जाएंगी। क्यों टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि मुलायम हो जाएंगी, और मुलायम हो जाएगी तो टेढ़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो इस वजह से विटामिन डी का सेवन करते रहिए, धूप में बैठ के आप दूध पीजिए तो आपको विटामिन डी की कमी कभी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि विटामिन ई जो होता है, अल्फा टोकोफेराल बोलते हैं, अल्फा टोकोफेराल इसका काम क्या होता है और ये कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन ई इज अल्फा टोकोफेराल विच एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और इसका जो विटामिन ई का जो नाम होता है वो होता है अल्फा टोकोफेराल, जो कि इसका एक्टिव फॉर्म होता है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने डीएनए इसलिए बनाया क्योंकि ये डीएनए में बहुत अच्छा काम करता है। कहने का मतलब जो विटामिन ए है वो सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, साथ में वो हमारे अंदर प्रोटीन का निर्माण करवाने में सहायता करता है, डीएनए के फॉर्मेशन में सहायता करता है, और इसी तरह से ये बहुत सारे काम हमारे बॉडी के अंदर करता है जो हमारी सेलुलर हेल्थ को अच्छा रखता है। मतलब अगर आप विटामिन ई ले रहे हैं तो आपकी सेलुलर हेल्थ अच्छी होगी। आप सेलुलर हेल्थ अच्छी होने का मतलब कि आपको फिर बहुत ज़्यादा बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है, आपका डीएनए ठीक ठाक रहेगा, मजबूत रहेगा। ठीक है, ये
हमारे बॉडी के अंदर जो फैटी एसिड हैं, जो प्रोटीन हैं, जो लिपिड हैं सेल के अंदर, उनके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, उनके ऑक्सीडेशन को रोकता है। और आपने फार्मेसी के अंदर भी पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन जिस चीज़ का हो गया वो चीज़ नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर विटामिन ई जो है वो एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा जो विटामिन ई होता है वो हमारे लीवर के अंदर स्टोर होता है, और अगर हम इसे बहुत अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो, ठीक है। देख लेते हैं कि विटामिन ए के प्राइमरी सोर्स क्या है। विटामिन ई जो होता है अल्फा टोकोफेराल उसको बोलते हैं, ये एडिबल वेजिटेबल ऑयल में पाया जाता है, स्पेशली व्हीट जर्म और सनफ्लावर ऑयल में ये ज़्यादा पाया जाता है, रेपसीड, ठीक है। उसी तरह से ये इसको कुछ और भी सोर्स हैं विटामिन ई के, जैसे लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। देखो अगर ग्रीन वेजिटेबल्स आप खा रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल में आपको बहुत अधिक मात्रा में, आपको हर लगभग जितने आप भी आपको विटामिन्स होते हैं वो मिल जाएंगे। बस अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप ग्रीन वेजिटेबल खा सकते हो, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एग आप खा सकते हो, एग के साथ में अगर आप मीट भी खाते हो तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप फिश खाते हो तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी चीज़ें जैसे आपकी कर्ड होती है, कर्ड में भी पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है, ठीक है, एवोकाडोस में, उसके बाद सनफ्लावर सीड्स में भी विटामिन ई होता है, मैंगो में होता है विटामिन ई, और कीवी फ्रूट में भी विटामिन ई होता है। यहाँ पे कुछ फिगर्स आप देख लीजिए, फिगर्स आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी चीज़ें होती है। आगे हम आपको और फिगर दिखाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं खास करके कर्ड में, दही में जो होता है आपका विटामिन ई पाया जाता है, एग योक में पाया जाता है, मैंगो में होता है, उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल में पाया जाता है, उसके बाद आप वनस्पतिक तेल जो वेजिटेबल ऑयल होता है एडिबल उसमें भी होता है विटामिन ई, साथ में कीवी जो फ्रूट होता है, ये कीवी फ्रूट है उसमें भी पाया जाता है विटामिन ई, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अभी आप समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं विटामिन ई के द्वारा होने वाले डिजीज़ के बारे में। मतलब बहुत सारे डिजीज़ तो यहाँ पे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो विटामिन ई की वजह से होते हैं, उसकी कमी की वजह से होते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है स्टेरिलिटी और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और आपके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सही से काम नहीं करते हैं अगर आपके अंदर विटामिन ई की कमी है, जिसकी वजह से स्टेरिलिटी आती है, नपुंसकता आती है, और साथ में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है। मतलब आपकी जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऐंठेंगी, उसमें दर्द होगा, ये सारे कंडीशंस होते हैं, और धीरे धीरे मसल्स डिजनरेट हो जाती हैं विटामिन ई अल्फा टोकोफेरॉल की कमी के कारण, ओके। अब हम देखते हैं विटामिन के बारे में, जो कि आपका फैट सोलबल विटामिन का लास्ट विटामिन है, जिसे हम फिल्लोक्विनोन या मीनाक्विनोन बोलते हैं। एक्चुअली फिल्लोक्विनोन जिसका ये एक दोनों एक्टिव और इनएक्टिव पार्ट होते हैं। दोस्तों अगर विटामिन के की बात करें तो विटामिन के एक्ट प्राइमरली इन ब्लड क्लॉटिंग, यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, साथ में हुएर इट प्रेजेंट कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। कहने का मतलब कि ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। सोच लीजिए अगर आप कहीं एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे, और एक्सीडेंट होने के बाद क्या होगा सर, कि ब्लड निकलेगा, विटामिन के की कमी है तो ब्लड आपका क्लॉट नहीं होगा, और ब्लड क्लॉट नहीं होगा क्योंकि जितने भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं विटामिन के की सहायता से ही एक्टिव होते हैं, और अगर नहीं है विटामिन के तो क्या होगा सर, क्या होगा कि आपकी ब्लड साली निकल जाएगी, तो फिर क्या है कि लाइफ और डेथ के बीच में एक बहुत बड़ा कनेक्टिव इशू है ये, ठीक है, अब आपकी डेथ हो सकती है। मोर देन अ डजन डिफरेंट प्रोटीन एंड द मिनरल कैल्शियम आर इन्वॉल्व इन मेकिंग द ब्लड क्लॉट, एंड विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सेवरल ऑफ दीज प्रोटीन। मैंने आपको बताया ना कि जितने भी 13 फैक्टर होते हैं ब्लड क्लॉटिंग, उनको एक्टिव करने का काम विटामिन के करता है। इसी तरह से जो विटामिन के है, अगर इसकी कमी हो गई तो आपको हो सकता है लैकिंग, आपको हो सकता है हीमरेज डिजीज, जिसे अनकरंट कंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देखिएगा कि जो विटामिन के है वो क्या करता है, विटामिन के आल्सो पार्टिसिपेट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बोन प्रोटीन एंड मोस्ट नोटेबली ऑस्टियोकैल्सिन। विदाउट विटामिन के ऑस्टियोकैल्सिन कैन नॉट बाइंड द मिनरल्स दैट नॉर्मली फॉर्म बोन, रिजल्टिंग इन पुअर द लीवर, ओके। कहने का मतलब अगर विटामिन के होगा तो आपकी जो बोन्स हैं, आप जो है बोन का मेटाबॉलिज्म आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, बोन के प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाओगे, खास करके जो लोग खाते हैं नॉनवेज उनके लिए है कि उनका लीवर डैमेज हो सकता है, उनका लीवर ख़राब हो सकता है अगर उनके अंदर विटामिन के की कमी है तो, ओके।
इस स्लाइड में हम देखेंगे फिलोक्विनोन मीनाक्विनोन के बारे में कि उसका प्राइमरी सोर्स क्या होता है विटामिन के का। तो विटामिन के जो होता है वो आपका प्लांट फूड में भी पाया जाता है, और प्लांट फूड में जो है आपका फिलोक्विनोन पाया जाता है, विटामिन के वन पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया जो होते हैं, अच्छा बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया इन द लोअर इंटेस्टाइन कैन सिंथेसाइज विटामिन के। कहने का मतलब जो बाहर पाया जाता है विटामिन के वन होता है, और जो हम अंदर अपने सिंथेसाइज कर सकते हैं, ये दूसरा ऐसा विटामिन है जिसको हम अपने बॉडी के अंदर सिंथेसाइज कर सकते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंथेसिस करते हैं इनका, और वो होता है विटामिन के टू, जिसको हम मीनाक्विनोन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे होगा क्या कि विटामिन के वन आपके बॉडी के अंदर आ गया, तो उसे विटामिन के टू में बदलने का काम कौन करता है, बैक्टीरिया करता है। ठीक, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, देखिएगा जो सोर्स होता है फिलोक्विनोन का वो होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसके बाद ग्रेन्स इत्यादि होते हैं, और खास करके कैबेज में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और वेजिटेबल ऑयल जैसे सोयाबीन, कैनोला और ऑलिव ऑयल में भी पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मीनोक्विनोन की बात करें तो मीनोक्विनोन आर आल्सो फाउंड इन फर्मेंटेड फूड। जो फर्मेंटेड फूड होते हैं, आपके किण्वित किए हुए फूड होते हैं, जैसे सिरका इत्यादि होता है वहाँ पे, या चीज़ में होता है, कर्ड में होता है, नेटो, ठीक है, फर्मेंटेड सोयाबीन होता है, वहाँ पे भी ये चीज़ पाई जाती है, विटामिन के पाई जाती है। ठीक, यहाँ पे कुछ फिगर्स आप देखिएगा कि जो विटामिन के है वो कहाँ पाया जाता है, मीट में होता है विटामिन के थोड़ी बहुत मात्रा में, वेजिटेबल आयल में होता है, उसके बाद यॉक में होता है, यग यॉक में, कैबेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैबेज में बहुत ज़्यादा होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है ये, और फ्रूट्स में भी पाया जाता है, और साथ में ये कर्ड में भी पाया जाता है, मतलब ये आपके डेयरी प्रोडक्ट में भी पाया जाता है। तो ये था आपका विटामिन के, और देख लेते हैं विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन के की कमी से, जैसा कि पहले हमने बात कर लिया है, विटामिन के की कमी से होता है आपका हीमरेज। हेमरेज का मतलब क्या होता है कि आपका अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होती है, कहने का मतलब बहुत अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होगी जिसकी वजह से आदमी की डेथ भी हो सकती है, इसलिए विटामिन के को भी और आप लेते रहो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं। आगे हम टू बी कंटिन्यू रहेंगे, आगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में बेसिक चीज़ें हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने कहा कि नहीं देखेंगे, जितना कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, तो ये था आज का वीडियो, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।